अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। हम बेलगाम शहर के इस रेलवे स्टेशन में खड़े हैं जहां पर कल वज़ीर आज़म आकर इसकी तामीर नौ की इफ्तिताह करने वाले हैं। लिहाजा यहां पर शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उनके स्टैचू न लगाने को लेकर यहाँ पर दलित और मराठा समाज की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि ये किसके इशारे पर यहाँ नहीं लगाया गया, क्योंकि दोनों भी तस्वीरें वहाँ पर बाहर रखी हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये साजिश के तहत नहीं लगाई गई है और इसके पीछे कौन हो सकता है। जो भी हो, इसके पीछे किसी तरह की अगर साजिश है और शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर स्टैचू जहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं वहाँ पर पीछे कि किस तरह से लगाया गया हुआ संगोली रायन्ना, रानी चन्नम्मा और महात्मा गांधी, विवेकानंद, इनकी आप जो है पूरी एक तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जानबूझकर न लगाने के पीछे वजह, क्योंकि वो ऐसी जगह रखी जहाँ पर धूल उनके ऊपर पड़ी हुई थी और ये किसी के कहने पर अगर किया गया है तो वो कौन लोग हैं, उनके नाम भी मंजर-ए-आम पर लाए जाए और उन्हें पहले बिठाया जाए, फिर ही वज़ीर आज़म इस रेलवे स्टेशन की इफ्तिताह करे, ऐसी मराठा और दलित समाज की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं और नारेबाजी हो रही है। हमारे यहाँ पर रमाकांत कुंडुस्कर और वो यहाँ के जो एहतजाज में वो पेश है। सर, ये जिस तरह से यहाँ पर बाहर रखा हुआ है दो चीज़ें, दोनों शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की, ये क्या किसी साजिश के तहत की गई, ऐसा आपका इल्ज़ाम है? ये जो अभी ये रेलवे स्टेशन ओपनिंग होने जा रहा है तो यहाँ पे सब स्वामी विवेकानंद और वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा, वीर संगोली रायन्ना, उनकी प्रतिमा वहाँ पे बिठाई है। उनके तरह छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे बिठाना चाहिए था, लेकिन होना करके ये दोनों वीर पुरुषों का अपमान करने के लिए उनको साइड में रखा है। ये पॉलिटिक्स चल रहा है, दलित और मराठा समाज का अपमान करने का काम चालू है। हम लोग 15 दिन के पहले यहाँ पे निवेदन दिया था कि यहाँ पे शिवाजी महाराज की स्टैचू, ये प्रतिमा इधर बिठाना है करके मांग किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार लेके चलते हैं, लेकिन अभी उनका ये जो दोनों महापुरुष है उनको ये लोग ये भूल गए ऐसा लगता है। अभी ये आंदोलन कब तक चलेगा सर? नहीं, ये बिठाने तक चलेगा ही। अभी हायर अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स आए हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत चल रही है, अभी बातचीत चल रही है, हम लोग अभी वो क्या बोलते हैं वो देखेंगे और उसके बाद में। शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू यानी कि स्टैचू न लगाने को लेकर यहाँ पर एहतजाज जारी है। यहाँ पर हमारे साथ एक मराठी कायद दत्ता जाधव भी यहाँ पर मौजूद है। सर, ये आपको क्या लगता है कि इसके पीछे साजिश है या क्या है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तस्वीरें लगी हुई हैं लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज की नहीं है, इसके पीछे वजह? नहीं, इसके पीछे तो पॉलिटिक्स है। अच्छा। ये पॉलिटिक्स के वजह से ये दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर ये दोनों स्टैचू उन्होंने नहीं लगाए। इधर उनको आप देखिए, इधर जगह था, वो जगह रहने के बावजूद भी इधर उन्होंने दोनों महापुरुषों के स्टैचू लगाने से उन्होंने रोक रखा है। ये हाँ, ये इधर का ये लोकल पॉलिटिक्स है, ये इनको बाकी के लिए किसको भी मालूम नहीं है, ये लोकल पॉलिटिक्स के वजह से ये रुका है। अच्छा, ये भी मैंने अभी सुना कि ये दो जो स्टैचू हैं ये कहीं तो अंदर रखे हुए थे। हाँ, और वो धूल थी उस पर गिरी हुई थी, तो इसके बारे में आपने क्या एक्शन लेना है? नहीं नहीं, ये दोनों स्टैचू उन्होंने छुपा के रखा था। बैठाने का उनका प्लानिंग था, सब कुछ था, सब होने के वजह से, लेकिन आइन वक्त पर इसमें क्या पॉलिटिक्स आया मालूम नहीं है। इनको जगह बना के रखा था उन्होंने, ये गोडाउन में छुपा के रखा था, वो अभी जागरूक लोगों की वजह से ये दोनों स्टैचू बाहर आ गए। आगे आगे क्या सर, कदम क्या होगा सर? ये बिठाए अभी अगर बिठाए नहीं आगे क्या है,
आगे कौन से भी हालत में ये स्टैचू लगने चाहिए, इसके सिवा इधर से वो मॉब हटने का चांस नहीं है। अगर फिर कल जो इफ्तिताह ओपनिंग है इस रेलवे स्टेशन की, तो क्या इसको रोक दिया जाएगा? नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से देखो, इन्होंने आज कौन सी भी हालत में वो इंतज़ाम करना चाहिए, कौन सी भी हालत में ये स्टैचू इधर आज बैठना चाहिए, आज बैठा तो कल ओपनिंग हो जाएगा। हाँ, नहीं, एक साल से मेमोरेंडम दे रहे बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दो, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाओ। हाँ, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम पॉलिटिक्स के वजह से ये रोक रख रहे हो, तुम दूसरा कुछ नहीं। तुम्हारा सिर्फ क्या है, तुम्हारा सिर्फ दिखाने का है। बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इलेक्शन आया तो सब तुम नाम लेते सबका, और इधर देखा तो कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ पर जो है लोकल भाजपा की ये सियासत है इसके पीछे, और उन्हीं सियासत की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इन पुतलों को जानबूझकर रखा गया है आपका। ये थे दत्ता यादव, और उन्होंने कहा कि यहाँ के मकामी भाजपा लीडरों की साजिशों की वजह से और इनके दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ और, ऐसा इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया, और इन्हीं लीडरों की वजह से ये जो शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतलों को जिस जगह पर लगाना था नहीं लगाया गया, लिहाजा उन्हें किसी हाल में आज की रात इन तमाम इन शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इन पुतलों को आज ही उसे लगाना है, तभी कल जाकर वज़ीर आज़म के हाथों यहाँ इफ्तिताही इजलास होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ನಿನಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳೋ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಡು, ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಳವಡಿಸೋಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರ್ರಿ ಅವನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ? ಯಾರ್ರಿ ಅವನು? ಯಾವನ್ರಿ ಅವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋನು? ಹಾ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ಅವನಿಗೆ? ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ? ಇವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ನೆಲ, ಈ ಜಲ, ಈ ನಾಡು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು, ನೀನು ಅವ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಂತಿಯತೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಭೀಮ್ ಸೈನಿಕರು ಶಿವ ಸೈನಿಕರು ಇದಾರಂದ್ರೆ, ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಚೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವೇನೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭೀಮ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಜಾಗ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸಾಹುಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆರಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮೂರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು, ಎರಡನೇವರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಮೂರನೇವರು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಗುರುಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ, ಸಂವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯವರೆಗೂ ನಾನಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಭೀಮ್ ಸೈನಿಕರು ಶಿವ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಾಧ್ಯ.
या ठिकाणी जाणून बुजून दक्षिणचा आमदारांना